इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मोदी हुकूमत के खिलाफ गरीब मजदूर मुलाजमीन और मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान अफरादों ने मरकजी इख्तदार पजीर हुकूमत की गर्द पॉलिसियों और मजदूरों के हकूक को पामाल करने को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में कसीर तादाद में खवातीन भी शरीक रही। सख्त अल्फाजों में मोदी हुकूमत की मजम्मत की गई। मुख्तलिफ कामगार तंजीमों के साथ मजदूर और किसानों की जानिब से मोदी हुकूमत के गलत फैसले मुल्क को किस दिशा में ले जा रहे हैं, इस पर भी मजदूरों मुलाजमीन के कायद एडवोकेट नागेश सातेरी और एडवोकेट राम अपने तफसीलात पेश किए। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, मजदूरों किसानों के हकूक को पामाल किया जा रहा है, फैक्ट्रियों का कंपनियों का निजीकरण कर अमीरों की गुलामी मोदी हुकूमत कर रही है, यहाँ तक इल्म हासिल करने वाले तलबाओं के साथ भी जुल्म ज्यादती की जा रही है, इल्मी शोबों में भी गलत फैसले किए जा रहे हैं, मुल्क में खवातीन महफूज नहीं है, मजहब के नाम पर तकसीम जारी है, किसानों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया जा रहा है, किसान मुखालिफ बिल पास किया जा रहा है, डीजल पेट्रोल की कीमतों में हर रोज इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा 10 से भी ज्यादा मजदूर मुलाजमीन तंजीमों ने एहतजाज किया है, मरकजी हुकूमत तवज्जो फरमाए। डीसी एमजी हिरोमट ने मुतालबा कबूल किया और हुकूमत तक पैगाम पहुंचाने का भरोसा दिलाया। वाज़ह रहे आज मुल्क भर में किसानों मजदूरों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। किसान मुखालिफ बिल को लेकर पंजाब यूपी हरियाणा के किसानों ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए दिल्ली की तरफ रवाना हुए। योगेंद्र यादव की पार्टी स्वराज भी इस एहतजाज में शरीक रही। लिहाजा किसानों को दिल्ली सरहद पर गिरफ्तार करने की भी इत्तला हासिल हुई है। कड़ाके की ठंडी में किसान पैदल दिल्ली की तरफ चल पड़े। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बताया है कि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में एहतजाजी जलसों का एहतमाम किया जाएगा। हर हाल में ये संघर्ष जारी रहेगा, ऐसा भी किसानों की तंजीमों ने कहा है। ये भी इत्तला हासिल हुई है कि सिर्फ पंजाब से ही 2 लाख किसान एहतजाजी जुलूस में शरीक हुए हैं। कई रियासतों में किसान मुखालिफ बिल को लेकर किसानों ने चक्का जाम भी किया। आखिर क्या है किसान बिल? पूरे मुल्क में क्यों किसान मोदी हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं? किसानों का मानना है कि यह बिल धीरे धीरे एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी आम जबान में कहे तो मंडियों को खत्म कर देगा और फिर निजी कंपनियों को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलेगा। लिहाजा मोदी हुकूमत किसानों को अमीर अडानी अंबानी के हाथों बेचना चाहते। गरीबों का हक मोदी सरकार अमीरों को बेच रही है। मोदी हुकूमत वैसे भी तमाम कंपनियों को अमीरों के हाथों बेच ही रही है, अब किसानों को भी बेच दिया जाएगा, जिससे खुद किसान ही मालिक बनने की बजाय मजदूर बनकर अपने ही खेत में काम करेगा। मोदी सरकार ने जो कानून पास किया है, इसमें मंडी से बाहर भी किसान अपना अनाज बेच सकता है, लिहाजा मंडी के बाहर अमीर अडानी अंबानी खरीदेंगे और मंडियों को बंद करना पड़ेगा। किसान को अमीर लोग गुलाम बना लेंगे और यही मोदी हुकूमत का मंशा है। किसानों का एहतजाज भी जारी है, निजी कंपनियों को लेकर मुलाजमीन भी परेशान है, मजदूर रो रहा है, कारोबार ठप है, फैक्ट्रियां बंद है। कहने का मतलब मोदी हुकूमत ने अब तक कोई फैसला देश के हक में नहीं किया है, ऐसा आवाम का कहना। पर सवाल यह उठता है कि मजदूर किसान मुलाजमीन बंद फैक्ट्रियां किसानों को बेचने का कानून इन सभी के बावजूद आखिर आवाम किस बुनियाद पर मोदी को वोट कर रही है? लाखों लोग सड़कों पर एहतजाज तो करते दिखाई देते हैं, इसके बावजूद भाजपा ही जीत हासिल करती रहती, ये भी सच्चाई है। क्या तमाम एहतजाज मोदी हुकूमत को इख्तदार से उतार पाएंगे? ये भी सवाल मायने रखता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। बेलगाम जिला में वैसे भी जुर्म की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, चोरी की वारदातें आए दिन हो रही है, पुलिस महकमा भी चौकन्ना है, पर खानापुर तालुका पिछले कुछ सालों से हमेशा सुर्खियों में रहता दिखाई दे रहा है। गौरी लंकेश कत्ल मामला हो, सनातन संस्था के कारकुनान सरगर्म होने का अंदेशा, फिर पिस्तौल का मिलना और भी कई वारदातें अंजाम दी गई हैं। एक बार फिर खानापुर सुर्खियों में आया हुआ है, जिसकी वजह है धमाकों में एक शख्स के जिस्म के चीथड़े उड़े। आखिर क्या है मामला? हासिल इत्तला के मुताबिक जिस शख्स के चीथड़े उड़े हैं,
इसका नाम गिरीश धर्मानंद राजपूत बीड़ी का रहने वाला है। वैसे तो ये मकामी शिमोगा से है। ये शख्स मोटरसाइकिल से माचीगढ़ खानापुर जा रहा था अपने साथी के साथ। इसे ट्रैक्टर की ठोकर लगी। मोटरसाइकिल पर बारूद लदा हुआ था जिससे धमाका हुआ और गिरीश राजपूत के चीथड़े उड़े, गोश्त के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए थे। पुलिस तहकीक जारी है। शिकार के लिए बारूद यानी जिलेटिन जंगल में रखा हुआ था। जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए गिरीश राजपूत और शिवकुमार राजपूत ने बारूद जमीन में रखा हुआ था, पर शिकार नहीं हुई तो बारूद को साथ में लेकर आ रहे थे। माचीगढ़ के पास ट्रैक्टर की ठोकर में जोरदार धमाका हुआ जिसमें गिरीश तो लम्हे में ही मौत के घाट उतर दिया गया तो शिवकुमार जख्मी हालत में दूर जाकर गिरा हुआ। ट्रैक्टर का मालिक अभिजीत बेलगामकर भी धमाके की आवाज से ही सुनने की कुव्वत खो चुका है। धमाका इतना बड़ा था कि गांव के लोग खौफजदा होकर उस जगह पर पहुंचे तो गिरीश राजपूत के गोश्त के टुकड़े दूर दूर तक फैले हुए थे। फौरन गांव वालों ने पुलिस को इत्तला दी। खानापुर पुलिस थाने के अफसर सुरेश श्रृंगी और उस्मान औटी ने वारदात की जगह का जायजा लिया। अब असल तहकीक होनी बाकी है। आखिर बारूद क्या था? वाकई जिलेटिन थे या कोई बम था? क्या शिकार का ही मकसद था या कोई और साजिश थी? गिरीश राजपूत, शिवकुमार राजपूत क्या किसी तंजीम से वाबस्ता है या नहीं? लिहाजा इस धमाके ने कई सारे सवालों को जन्म दिया। देखना है कि पुलिस तफ्तीश क्या कहती है। इस पर आवाम की नजरें टिकी हुई है। कोरोना लॉकडाउन जैसे अल्फाज फिर सुनने में आ रहे हैं। कई जगहों पर अफवाहों का बाजार भी घर में, पर बेलगाम शहर और अतराप में इत्मीनान की खबर कही है कि कोरोना का खतरा घटता दिखाई दे रहा। निजी अस्पतालों में बेहिसाब रकम ऐंठने के मद्देनजर हुकूमत ने निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान भारत के तहत इलाज करने का हुक्म दिया है। कारपोरेशन की जानिब से एक वक्त भी बनाया गया जिसके जरिए निजी अस्पतालों में ज्यादा पैसे लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र, गोवा या दिगर रियासतों में जाने के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम किया गया। कॉलेज तलबाओं में भी इम्तिहान गाह में दाखिल होने के लिए कोरोना की टेस्ट जरूरी है, पर बेलगाम जिला अस्पताल में सिर्फ एक घंटे का वक्त दिया जाता है जिसमें सैकड़ों लोग कतार में खड़े रहते दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से तीन तीन दिन गुजरते हैं लेकिन नंबर नहीं आता, जिससे अवाम काफी परेशान है। अवाम का कहना है कि और भी जगहों पर स्वैब टेस्टिंग की सहूलतें मुहैया कराए ताकि अवाम जल्द रिपोर्ट हासिल करे। मौजूदा जो काम चल रहा है उससे अवाम नाराज दिखाई देती है और वही इजहार उन्होंने किया है। आइए देखते हैं क्या अवाम क्या कहती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कोविड चेक करने के लिए आया हूँ मैं। दो दिन से आता हूँ और जाता हूँ। एक घंटे का टाइमिंग है इनका और 100 के ऊपर पब्लिक है। एक घंटे में हो ही नहीं सकता, आना और जाना है खाली। एक 20-25 लोगों का कोई टेस्ट होता है, बाकी वालों को वापस भेज देते हैं। मेरे को बॉम्बे जाना था, 3-4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक कोई टेस्ट मेरा हुआ नहीं। अभी तक नहीं हुआ। कितने दिन से आ रहे हैं? 3-4 रोज से आ रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ। अभी भी आखिरी का नंबर है मेरा। मेरा नाम सुधीर है, मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन से हूँ। मेरे पास ऐसे अनगिनत कंप्लेंट्स है लोगों के, जो लोग कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए कोविड टेस्ट करना ज़रूरी है। ये तो पब्लिक के लिए हो गया। अभी साथ ही में जो कॉलेज के लिए अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को कोविड टेस्ट का सर्टिफिकेट लिए बगैर उनको एग्ज़ाम में बिठाने का नहीं है बोल के आदेश निकाला हुआ है। तो सरकार एक तरफ से यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि कोविड टेस्ट किए बगैर आपका एग्ज़ाम में परमिशन नहीं है, और यहाँ पे देखा जाएगा तो टेस्टिंग का जो कंडीशन है वो इतना ख़राब है कि एक टेस्टिंग के लिए सर्टिफिकेट पाने के लिए इन लोगों को 3 से 4 दिन से स्टूडेंट्स को यहाँ पे तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पे ना डिस्ट्रिक्ट का जो DHO है या फिर कोई सरकार है यहाँ पे कहीं पर भी ध्यान नहीं दे रहा है, और ये जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी जो भी काम ज़रूरत के हिसाब से देखा जाना चाहिए वो नहीं देखा जा रहा है। तो मैं ये सरकार से और इस DHO से ये मांग करता हूँ और उनका विरोध भी करता हूँ कि जो ये सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर कहीं कुछ हो नहीं रहा है। टेस्टिंग के लिए अभी सुबह भी मैं आके गया हूँ। 7 बजे से यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे। उनको पहले इनका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, बाद में उनको रजिस्टर किया जा रहा है, बाद में 2 बजे यहाँ पे OTP लेके यहाँ पे फिर से स्वैब के लिए यहाँ पे रखा गया है।
तो यहाँ पे बेलगाम में आईसीएमआर होते हुए भी यहाँ पे टेस्टिंग का जो सिस्टम चल रहा है ये पूरी तरह से गलत है। अगर आप लोग मैन पावर नहीं बढ़ा पाते तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं सर, आप ज़रा वीडियो घुमा के देख लीजिए, पूरा लाइन लगा हुआ है यहाँ से, मतलब 200, 400, 500 लोग लाइन में है। इनके यहाँ मुश्किल से 20-30 लोगों का यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है, बाद में फिर से ये लोगों को वापस भेजा जाता है। तो इस तरह से ये जो अंधाधुंधी का कारोबार चल रहा है या कहीं पे भी रोकना चाहिए, और ये पब्लिक ऐसे आज आओ कल आओ परसों आओ ये कंटिन्यू बोलेंगे, ये लोग आते जाते हैं मगर कोई भी लोग खड़ा रह के सवाल करने के लिए कोई राजी नहीं है। नहीं सर, हम लोगों को कॉलेज में बोला है कि 3 दिन पहले ही यहाँ का नेगेटिव रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करना है, तो दिसंबर 1st से हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा। दिसंबर 7th से हम लोगों का प्रीलिम्स है और दिसंबर 3rd वीक से हम लोगों का फाइनल्स है, तो यहाँ पे हम लोग हमारा टाइम वेस्ट करके तो हमारा स्टडी पढ़ाई कब होगा, तो सबको समझना पड़ेगा ना। 3 दिन से हम लोग यहाँ आने जाने का कर रहे हैं, तो थोड़ा भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है।